अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम तारीफ़ है अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ नसीम अख्तर मुरादाबादी, आपकी खिदमत में इस मौजू के साथ कि खजूर का अनोखा फ़ायदा। यूँ तो खजूर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज एक ऐसा फ़ायदा मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ जिसमें हमारी ख़वातीन और मर्द हज़रात भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी हिलुमी हिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो लोग ये कहते हैं कि हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा है, हमने हर चंद कोशिश कर ली, बहुत सारी दवाइयाँ भी इस्तेमाल की, बहुत सारे कंपनियों से हमने कैप्सूल मंगाए, सप्लीमेंट इस्तेमाल किए, वज़न बढ़ता है घट जाता है। बहुत सारी खवातीन भी इस बात को लेकर के परेशान रहती हैं कि हमारा वज़न थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, हमारे शोहर ये चाहते हैं कि हमारा वज़न थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यह ज़्यादा पतली दुबली है, रिश्ता होने में दिक्कत पड़ रही है कि लड़की ज़्यादा पतली है। तो अब ऐसे ख़वातीन को और ऐसे मर्द हज़रात को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महबूबाए महबूब रब्बिल आलमीन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मेरे बदन को गुदाज बनाने के लिए, यानी कि मुझे मोटा करने के लिए हर चंद कोशिश की गई, लेकिन मैं मोटी नहीं हुई। फिर जब मुझको खजूर और ककड़ी मिलाकर के खिलाया गया तो मेरा बदन गुदाज हो गया, मैं मोटी हो गई। ककड़ी असल में उर्फ आम में उसको कहते हैं जो कि लंबी होती है और ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में मिलती है, वो सर्दियों में भी कभी कभी मिल जाती है, उसको ककड़ी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ककड़ी मुराद नहीं, यहाँ पर खीरा मुराद है। तो आप अगर अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो तकरीबन चार खजूरें ले लें और एक खीरा ले लें, सुबह में खाली पेट नाश्ते से पहले आप इसको लगातार इस्तेमाल करें। चार खजूर ले लें और एक खीरा ले लें, सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला 40 से 50 दिन में आपका वज़न कई किलो बढ़ जाएगा। इससे चेहरे पर रंगत आएगी और बदन में ताकत भी आएगी। तो खजूर का एक ये ऐसा फ़ायदा है कि जिससे बहुत ही कम लोग वाकिफ़ हैं, आप इसको इस्तेमाल करके देखें और फ़ायदा उठाएं। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। चलते चलते बात और सुनते जाइए, हो सकता है कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर काम आ जाए। अपने हाथों से किसी क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करने की वजह से नसें कमज़ोर हैं, मनी पतली है, ढीलापन है, टाइमिंग कम है, धाते इतलाम की बीमारी है, या औरतों को सफ़ेद पानी की शिकायत है, अपना वज़न बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, या आपके स्पर्म कम है, या बबसीर का मर्ज है, या औरतों को बच्चेदानी उतरने का मर्ज है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दवाई देसी जड़ी बूटी से तैयार की जाती है, जहाँ भी आप चाहेंगे इंडिया में आपको पहुँचा दी जाएगी। नंबर आप मेरा सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये जो मैंने आपको घरेलू उपाय बताया है, करना आपका काम, बताना मेरी जिम्मेदारी, शिफा देना अल्लाह के अख्तियार में है। अस्सलामु अलैकुम।